प्रथला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत फतेहपुर बिलोच के सरकारी स्कूल की चार दीवारी से लगते कूड़े के ढेर के कारण स्कूल में आने वाले बच्चों और अध्यापकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण बच्चों का पढ़ना दूभर हो रहा है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा गांव के सरपंच और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। आलम यह है कि गंदगी फैलती हुई स्कूल के मुख्य द्वार तक आ पहुंची है और आवारा पशुओं का घर बनती जा रही है। सर एक्चुअली क्या है कि अब आप भी देख रहे हो कि किस तरीके की गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चे भी जब आते हैं तो बच्चे पढ़ते समय भी सर ये कहते हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो ध्यान है वो बदबू की तरफ आगे से ज़्यादा हो रहा है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम उसी के लेवल पे हमारे प्रिंसिपल मैम भी कई बार गांव के सरपंच से भी बोल चुकी हैं, लिखित में भी दे चुकी हैं, आगे अफसरों के पास भी इस तरीके की लिखित में भी पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बार नहीं, चार चार बार पहुँचा चुकी है। दूसरी तरफ स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे जहरीले जीवों के होने की आशंका है, जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और अध्यापकों के लिए खतरा बढ़ सकता है। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, वहीं स्कूल के पास इस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आवारा पशु आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर के बाद भी शासन कितना सतर्क होता है और स्कूल के सामने की गंदगी कब तक साफ की जाती है। मैं सिमी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर बिलोच। क्या मुख्य समस्या है सामना करना पड़ रहा है इस समय? जो सबसे मेन समस्या है वो है हमारे स्कूल के बाहर जो इतना कूड़ा कचरा सुबह शाम जो फैला हुआ होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। किस तरह की कूड़े, गाँव का कूड़ा है या क्या है? देखिए इसमें तो यहाँ बाहर अनाज मंडी लग रही है, सब्जी मंडी भी लगती है, प्लस में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अपना कूड़ा जो घर का वो डंप कर जाते हैं। क्या डंपिंग यार्ड नहीं है यहाँ पे? देखिए डंपिंग यार्ड के लिए हमने यहाँ के सरपंच जो हैं उनसे भी बात किया था और उनसे हमने पूछा था, तो वो यहाँ पे यही समस्या बता दी जाती है, कारण बता दिया जाता है कि डंपिंग यार्ड पूरे गांव में कहीं है ही नहीं, तो वो स्कूल के बाहर ही उन्होंने ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड बना लिया। अच्छा, सब्जी मंडी की बात कर रही हैं, सब्जी मंडी बाहर लगाई जाती है? जी हाँ, यहाँ पे जो है स्कूल के बिल्कुल एकदम बाहर सब्जी मंडी लगाई जाती है और नतीजा क्या होता है कि सब्जी मंडी जब लग जाती है उसके बाद जो है यहाँ पर सारा कचरा जो है वो यहाँ फैला हुआ होता है। कभी किसी से शिकायत की है? देखिए हम तो शुरू से कई महीनों से जो है हमने सरपंच के पास भी हमने बताया, उसके बाद जो छाइंसा में मेन सब्जी मंडी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी हमने रिटर्न में शिकायत किया, BDPO ऑफिस में भी हमने खिड़की लेटर दिया, SDM साहब से भी हम मिले जो बल्लभगढ़ के SDM हैं, और उन्होंने जो है लेकिन हमने उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। सर इस विषय के अंदर गाँव के जो लोग हैं प्रॉपर जो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ जो सब्जियाँ पैदा करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है सामने मंडी लगाते हैं और हमने कभी कभी कई दफ़ा क्या है सरपंच से आग्रह कर चुके हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो भी क्या है काफ़ी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन क्या है वो मंडी लगाने से रुके नहीं है, रोजाना क्या है सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, तो इस पर कोई पाबंदी अभी तक लगी नहीं।